दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से पकड़े गए दोनों भाई मोहम्मद इमरान मालिक और मोहम्मद नासिर मालिक को लेकर एनआईए की टीम गुरुवार की शाम दिल्ली से पटना पहुंच गई। कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों को पटना एयरपोर्ट से एटीएस मुख्यालय लाया गया। इन्हें यहीं रखा गया है। पूरी रात इनकी एटीएस मुख्यालय में ही कटेगी। शुक्रवार को इन्हें पटना के एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर रिमांड की डिमांड नहीं की गई तो दोनों भाइयों को कोर्ट से जेल भेज दिया जाएगा। संभावना है कि एनआईए की तरफ से वकील जेल में बंद मोहम्मद कफील और मोहम्मद सलीम के रिमांड की डिमांड कोर्ट से कर सकते हैं। जेल में बंद सलीम को जब गिरफ्तार किया गया था उस दौरान वो बीमार हो गया था, इस वजह से एनआईए की तरफ से उसके रिमांड की डिमांड नहीं की गई थी। अब संभावना है कि शुक्रवार को उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की मांग की जा सकती है। दरभंगा ब्लास्ट के तार पहले हैदराबाद और बाद में उत्तर प्रदेश के कैराना से जुड़े सलीम और कफील को कैराना से ही पकड़ा गया था। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में अब तक एनआईए की 17 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सभी के बयानों की कॉपी को कोर्ट में जमा किया जाएगा। अब इस मामले में आगे की जांच, बरामद सबूत, दर्ज किए गए लोगों के बयान और गिरफ्तार किए गए आतंकियों की निशानदेही पर आगे बढ़ेगी। ये पता किया जा रहा है कि क्या इनका कोई कनेक्शन पंजाब से है, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पंजाब में ही अपना स्लीपर सेल के हैंडलर को बिहार यूपी जाने वाली ट्रेन में टाइम बम लगाने और उसमें सवार मजदूरों को निशाना बनाने को कहा था। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।